हाय फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी शिफ्ट होने की वजह से हमारी लाइफ में एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें बेकार हो रही हैं या एकदम उथल पुथल मची हुई है, ओके? या फिर एकदम से बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है। और ये सिर्फ एक के साथ नहीं है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं। मतलब अपनों के साथ रिश्ते, वहाँ पे थोड़ा सा अनबन होना, कड़वाहट आनी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये सिर्फ प्लैनेट्स की वाइब्स हैं जो हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल बेकार हो रही हैं। अभी हम क्या करेंगे इस टाइम पे, हम क्या करें जिस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जब एकदम से लगता है कि चीज़ें ऐसे बेकार सी हो रही हैं, उस टाइम पे कुछ करने का पहली बात मन ही नहीं करता। कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना, उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि इमोशंस तो डिस्टर्ब हैं, फीलिंग्स डिस्टर्ब हैं, तो अभी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ओके? बट हाँ, हम वन टाइम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार करना है और एक बार करने के बाद हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, फिर आप अपने प्रेयर्स, मंत्रों को स्टार्ट कर सकते हो, ओके? सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा स्पेल बताने जा रही हूँ बैड लक को एलिमिनेट करने का, अपने बैड लक को कैसे ख़त्म करें। अच्छा, ये बैड लक क्या है? पहली बात तो बैड लक वही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऑल ऑफ अ सडन सब बेकार हो गया। हम सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहे, राइट? हमने प्रेयर्स की, बहुत कुछ किया, स्टिल चीज़ें हाथ से निकल गई। तो हम यही मानते हैं ना कि बैड लक है, बैड वाइब्स है, बैड एनर्जीज हैं, उसी को हमें ठीक करना है। एक छोटा सा स्पेल करेंगे और इस स्पेल में हम दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो हरे रंग की मोमबत्ती ले लीजिए, ग्रीन कैंडल अगर है तो, नहीं तो वाइट भी चलेगा, बट ग्रीन अच्छा है, ओके? ग्रीन किस कलर, ये जो कलर है ये किस चीज़ को दर्शाता है? हरियाली को, अबंडेंस को, ठीक है? मतलब हरियाली कहाँ होती है? जहाँ पॉजिटिव वाइब है, गुड लक है, वहाँ पे हरियाली है, तो गुड लक का साइन है, या फिर आप कलर मान लो ग्रीन, इसीलिए हम ग्रीन को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमें लेना है सॉल्ट, नमक लेंगे हम, जो आपके किचन में वाइट सॉल्ट है बस वही ले लीजिए, ओके? तीसरी चीज़ आप क्या लोगे? सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। अब अगर दालचीनी का पाउडर घर में अवेलेबल नहीं है, दालचीनी की स्टिक्स हमारे किचन में हमेशा रहती है और हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हम मनी से रिलेटेड दालचीनी की स्टिक से करते हैं, राइट? सो दालचीनी का पाउडर आप घर में भी बना सकते हो, पीस लो उसको, बना लो, थोड़ा सा चाहिए आपको। ये तीनों चीज़ें ही आपको अपने बैड लक को एलिमिनेट करने में हेल्प करने वाले हैं स्पेल्स। जो सिनेमन की इंटेंस स्मेल होती है वो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आती है, किस्मत को जगाती है, ओके? आपके लिए पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है, ठीक है? ये हर तरह जो भी विशेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप हो, स्टडीज़ में मार्क्स के लिए हो, या फिर जॉब हो, या मनी, बिजनेस, या वैसे भी हेल्थ से रिलेटेड भी, हर तरह के लोग इस स्पेल को कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्पेल है। किस वक्त करना है आपको? तो आप रात में करिए, इसको ज़्यादा अच्छा है। स्पेल्स का टाइम अगर मैं बोलूँ तो संध्या के बाद, मतलब इवनिंग के बाद होता है, जब अंधेरा हो जाता है, ओके? और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में ना स्पेल्स बहुत अच्छे होते हैं करने। जितने स्पेल्स कर सकते हो, जितने मंत्र कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट मिलेगा उसका, ठीक है? तो अभी किसी भी दिन आप कर सकते हो, नहीं तो वैसे नवरात्रे ख़त्म होने के बाद भी नॉर्मल डेज में भी आप इसको कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, पीरियड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके? कितनी बार करना है इसको, तो अगर फर्स्ट टाइम करने के बाद आपको एक दो दिन रुक के देखो कि आपकी वाइब चेंज हुई कि नहीं। कुछ हल्का सा भी चेंज अगर आपको लगता है कि स्पेल से हुआ है आपकी लाइफ में, तो फिर आप इसको हर तीसरे दिन रिपीट करो। कब तक करना है? तो जब तक कि आपको खुद से ना लगे कि हाँ, अब थोड़ा सा छोड़ सकते हैं इसको, सब नॉर्मल हो गया, ठीक है? तो अपने इंट्यूशन की पावर को जगाओ और आपकी इंट्यूशन खुद आपको बताएगी कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सब नॉर्मल ट्रैक पे आ गई हैं, ठीक है? सो बहुत सिंपल रखा हुआ है इसको मैंने। आपको करना क्या है, एक स्टील की प्लेट लीजिए, कहीं पर आराम से बैठिए, आप इस वीडियो में देखिए, मैंने करके दिखाया है। स्टील की प्लेट, एक कैंडल, नमक और दालचीनी पाउडर। स्टील की प्लेट में थोड़ा सा नमक बीच में डाल दीजिए।
इसको डालने के बाद आप इस नमक को इस तरह से फैलाइए जैसा कि एक सर्कल बन जाए, ठीक है। आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले अपने हाथों से फैलाया, फिर इसके बाद कैंडल को यूज़ किया और कैंडल से स्प्रेड किया। आप बीच में मोमबत्ती को जला दीजिए। मोमबत्ती को जलाने के बाद अब आप अपनी आंखें बंद करके पहले तो विजुअलाइज़ कीजिए कि जो भी आपका बैड लक है, कोई ब्लॉकेज है, कोई दुख है, तकलीफ़ है, उन सबको एक बार के लिए फोकस में लेके आइए कि उन्हें आपको ख़त्म करना है। पुट अ क्रॉस, एक क्रॉस लगाओ अपने दिमाग में उन सब चीज़ों पर, ठीक है। ये आपके इंटेंशन में होगा, कहीं और क्रॉस बनाना नहीं है। सो बहुत सिंपल सा है, अपनी आँखें बंद करके आपको अपनी सारी मुश्किलें परेशानियाँ सोचनी हैं और उसके ऊपर आप एक क्रॉस बना रहे हो, ठीक है। अब जब ये कैंडल जल गई है और सॉल्ट है, स्प्रेड है, ठीक है, अब इस सॉल्ट वाले सर्कल पे आपको ये जो सिनेमन का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, इसको आपको इस सॉल्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। मतलब सिनेमन का भी एक सर्कल इसके ऊपर बन जाएगा। तो जो सॉल्ट था उसने किया क्या, आपकी जितनी नेगेटिव इंट्यूशन थी जो अभी आपने क्रिएट की, नेगेटिव जो भी आपने सोचा कि ये सारा ब्लॉकेज है मेरी लाइफ में, उसको अब्सॉर्ब किया है। अब उस नेगेटिविटी को, उस बैड लक को हम एलिमिनेट करके यहाँ पे सिनेमन के पाउडर से अपने लिए गुड लक अट्रैक्ट करेंगे। गुड लक को हमने कवर अप किया है, ठीक है। ये आपने सारा सिनेमन स्प्रेड करने के बाद आंखें फिर से करनी हैं बंद। अब आपको इंस्टेंट अपने थॉट को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है और सोचना है कि सब कुछ बहुत हैप्पी है आपकी लाइफ में, बहुत ब्लेस्ड है। आपकी खुशियाँ लोग देख करके हैरान हैं कि आप इतने खुश हो। आपकी अचीवमेंट्स, आपके सक्सेस को देख करके लोग हैरान हैं। और ये आपने अपने लिए गुड लक को अट्रैक्ट किया है। थोड़ी देर आंखें बंद किए हुए ध्यान से विजुअलाइज़ कीजिए कि आपके बैड लक का एलिमिनेशन हो गया है। जितना भी एंगर था, फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, दुख था, तकलीफ थी, रिग्रेशन था, वो सब ख़त्म हो गया। अब आप अपने आप को वापस से लकी बनने के जोन में डाल रहे हो। अभी आप अबंडेंट फील कर रहे हो, ब्लेस्ड फील कर रहे हो। इसके साथ आंखें खोलिए, कैंडल को देखिए थोड़ी देर, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड में आइए। आप कैंडल को बुझा के रख दीजिए और प्लेट में पड़े हुए इस सिनेमन के पाउडर को और सॉल्ट को बाउल में, कटोरी में इकट्ठा कीजिए। और इकट्ठा करके इस बाउल में आपको पानी डालना है, पानी में इसको डिस्पोज ऑफ करना है। अपने ऑल्टर से आप प्लेट को साफ करके हटाएंगे, कैंडल को उसकी जगह पे रखेंगे, माचिस को उसकी जगह पे रखेंगे, ऑल्टर को भी पोछ के साफ करेंगे। हमेशा स्पेल कंप्लीट तब होता है जब आपने जितनी चीज़ें वहाँ पे फैलाई हैं वो चीज़ें सब अपनी अपनी जगह पे रख दी और बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, तब कोई भी स्पेल कंप्लीट होता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये नहीं कि स्पेल करने के बाद आप उठ गए, पानी वहीं पे है, नमक वहीं पे है, ऐसे नहीं करना है। सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे ठिकाने लगाइए, अपनी अपनी जगह पे रखिए, ठीक है। और इसके बाद आपका स्पेल कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको थोड़ा लाइट फील होगा, रिलैक्स फील होगा। ये स्पेल आप चाहो तो हर तीसरे दिन, हर थर्ड डे पे कम रिपीट कर सकते हो अपने लिए, जब तक कि आपको खुद से ना लगे कि हाँ चीज़ें अभी ट्रैक पे आ गई हैं, नाउ बैड लक एलिमिनेट हो गया है एंड यस हम गुड लक की तरफ हैं। तो ये स्पेल आपको हेल्प करें एंड यस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।